हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लिक्चर। सो आज हम बात करेंगे डिजी लॉकर के बारे में। ये एक डिजिटल लॉकर है जो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो कोई भी बंदा इस ऐप को यूज़ कर सकता है किसी भी टाइम किसी भी जगह। सो यहाँ पे गाइस बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होती है जिसकी आपको कहीं भी नीड हो सकती है। तो बेसिकली इसे गवर्नमेंट ने इसलिए इनिशिएट किया ताकि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कैरी ना करना पड़े, ठीक है। तो 10th 12th का रिजल्ट आप इस डिजी लॉकर से चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से आपको डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना है और इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। सो ये वीडियो मैं स्पेशली 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आना है। काफ़ी स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और CBSE 10th एंड 12th का रिजल्ट अभी भी बाकी है। तो अगर आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अभी ही डिजी लॉकर पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है डाउनलोड करने के बाद, ताकि जैसे ही आपका रिजल्ट आउट हो तो आपको सिर्फ अपना रोल नंबर या नेम के थ्रू आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपको अभी ही कर लेना है, आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, ठीक है। तो करना क्या है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मोबाइल के लिए बताऊँगी कि मोबाइल में किस तरीके से आपको डाउनलोड करने हैं, उसके बाद में PC के लिए बताऊँगी क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना मोबाइल ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर के थ्रू आपको डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको या तो साइन इन करना होता है या फिर आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो जैसे कि आप फर्स्ट टाइम इसे डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो उस पर क्लिक करना होगा। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, नेम, रोल नंबर, सॉरी मोबाइल नंबर एंड इस तरीके की कुछ बेसिक डिटेल्स होंगे। तो जैसे आप बेसिक डिटेल्स फिल कर लेंगे उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी नंबर वहाँ पे फिल की है उस नंबर पे OTP आएगा, तो उस OTP को बेसिकली आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको सबमिट कर देना है एंड देन आपको लॉग इन करना होता है, ठीक है। सो जैसे आप लॉग इन करते हैं, जब भी आपका रिजल्ट आउट होगा तो टॉप में ही, फ्रंट में ही आपको CBSE का जो लोगो है वो आपको दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। सो इस तरीके से आप किसी भी बोर्ड का रिजल्ट आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कोई भी आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है मोबाइल के लिए। अगर आप PC पे इसे ओपन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको digilocker.gov.in सर्च करना है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे देन आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस के बाद आप लॉग इन कर पाएंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, OTP आपको एंटर करना है, ठीक है। जैसे हमने मोबाइल के लिए किया है एग्जैक्टली वैसे आपको PC में भी करना है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। हो सकता है जब आप का 10th एंड 12th का रिजल्ट आए तो सर्वर डाउन हो जाए और सर्वर डाउन की वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़े, पर आप डिजी लॉकर पे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।